हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में आपको बीएड कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले भी एक दो कॉलेजेस के बारे में बताया बीएड में, जैसे एक SSLNT जो आपकी धनबाद में, फिर एक टॉप बीएड कॉलेजेस रांची में कौन कौन है, और हमारा चैनल इसी चीज पे बेस्ड है जहाँ पे हम लोग कॉलेज रिव्यूज भी देते हैं। झारखंड में किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आपकी बीटेक लैटरल हो, बीएड हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा लैटरल एंट्री हो, ठीक है, नीट की काउंसलिंग के लिए हो, तो किसी भी चीज के लिए बताते हैं, तो बीएड के लिए बताएंगे। और हमने बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज दिए हैं, तो हमारा इस ये जो वीडियो ये बीएड कॉलेज रिव्यूज के लिस्ट में आने जाता है, ठीक है। जिस कॉलेज का नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जो कि धनबाद में, ठीक है, काफी फेमस नाम है। 2017 में ये कॉलेज बनी थी। इसमें मैं आपको 5 से 7 मिनट के अंदर इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन इस कॉलेज के बारे में अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि इन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर, फाइनल यूजी सेमेस्टर, मतलब ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का जो है मार्क्स, इन्होंने नहीं जारी किया था फाइनल सेमेस्टर का मार्क्स, जिसके वजह से यहाँ के इस कॉलेज के बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स बीएड का फॉर्म फिलअप नहीं भर पाए। जैसे कि जो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड JCCB, जो ये बीएड के लिए जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था 3 या 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, उस पर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे बहुत हजारों स्टूडेंट्स से भी ज्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो काफी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ना कोई आपको जानकारी देगा, और मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ। फिर भी अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है तो आप टेलीग्राम में ही आ जाइए, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, चाहे आप ट्विटर की भी अकाउंट की आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद इस कॉलेज का तो वही जो मैंने बताया, JCCB ने जो बीएड का जो अपना फॉर्म फिलअप ओपन किया था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, उसमें इस कॉलेज के स्टूडेंट जो भी इस कॉलेज से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से वो बीएड का अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो इससे बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन पोर्टल से तो अभी JCCB से तो अब आगे बढ़ा नहीं है बीएड का, तो जो भी स्टूडेंट्स अब जिनको बीएड में एडमिशन लेना हो तो हो सकता है वो डायरेक्ट किए और आप देखें, क्योंकि अब सरकारी कॉलेजेस में जाने के लिए तो आपको काउंसलिंग जाना होगा, और काउंसलिंग में जाने के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि आपका छूट चुका है, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस इनके साथ एफिलिएटेड है। पहले तो ब्रांचेस क्या क्या, किस किस चीज़ों की पढ़ाई होती है, जैसे यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो एकेडमिक्स में देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से, जैसे यूजी कोर्सेज है, पीजी कोर्सेज है, PhD भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो फैकल्टीज में जैसे अब ऑनर्स में जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, ये सब कोर्सेज हैं यहाँ पे। फिर साइंस में अगर आप BSc करना चाहो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस में ऑनर्स लेना चाहो, आर्ट्स में लेना चाहो, तो मतलब ये भी कोर्सेज आपके हैं। कॉमर्स में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ठीक है। और चीजें इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो BBM की उससे जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे एक तो ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से अंडर में जो जो कॉलेजेस होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेजेस हो, किसी भी तरह के कॉलेजेस हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के कॉलेजेस हो, इनसे एफिलिएटेड रहेंगे। तो ये लिस्ट है जिसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है यार, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस अटैच्ड है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। और बीएड कॉलेजेस कौन कौन ऐसे हैं जो इनके अंडर में चलती हैं, तो इसकी भी लिस्ट आपको आपके सामने दिख जा रही है। इसमें से बहुत ऐसे ऐसे जो प्राइवेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसमें प्राइवेट होंगे उसमें से जो इस कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट गया, बहुत सारे क्या मैं बोलूंगा करीबन 1000-10000 स्टूडेंट्स का छूट गया, क्योंकि इस कॉलेज से तो काफी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, तो अब तो आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही एंट्री लेने के लिए सोचेंगे। और फिर भी अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि कहाँ पे कम फीस में हो सकता है, तो आप बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप आके ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत सी बात नहीं। आप पर्सनली मेरे से भी बात कर सकते हैं, अब इंस्टाग्राम में आएंगे तो आप, मैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स में एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो इस कॉलेज में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि ये कॉलेज है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी किसी तरह के कोर्सेज के एडमिशन के लिए आप डायरेक्टली जाके एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके पोर्टल में जाके एडमिशंस में जाके डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप इनके डायरेक्ट सेंटर्स में जाके कर सकते हैं, क्योंकि धनबाद में बना हुआ है, धनबाद में एकदम मेन लोकेशन में है, ठीक है। आपका PK रॉय या फिर SSLNT के बहुत सामने, ज्यादा दूर एकदम नहीं है, ठीक है। तो कोएड कॉलेज है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशंस के लिए देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी एक पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स में आके आप बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, जहाँ पे मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ BBMQ के बारे में। तो बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ आगे के वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।